बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने दिखाया ये सीक्रेट वीडियो। रजत दलाल, अविनाश और विवेन के उड़े होश। करण की एक बार फिर बदनामी की साजिश हुई, नापाक मंसूबे हुए पाक। अब सलमान खान ने किया ईशा को एक्सपोज। दुगली ईशा का असली चेहरा आया सबके सामने। तो इस वीडियो के साथ आप भी बनी रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस का वीकेंड का वार शुरू हो गया है और शुरू हो गई है सभी कंटेस्टेंट की क्लास लगाने की प्रतिक्रिया। लेकिन सलमान खान ने आखिर क्यों कन्फेशन रूम में रजत, अविनाश और विवेन को बुलाकर दिखाया ईशा का सीक्रेट वीडियो? क्या ईशा के साथ की है करण ने बदतमीजी? ईशा को छेड़ने की कोशिश की है करणवीर ने? आखिर क्यों अविनाश का फूटा गुस्सा? सलमान खान ने पहली बार लाडली ईशा को किया सभी के सामने एक्सपोज। टाइम गॉड बनते ही किया घर वालों को मैनिपुलेट विवेन दिसेना, अविनाश और साथ ही साथ रजत दलाल को भड़काए करणवीर के खिलाफ। ईशा जो है वो चुगली गैंग की सबसे बड़ी लीडर है। ईशा को चुगली आंटी भी कहा जाता है और अब तो ईशा का दूसरा नाम ही है चुगली आंटी। लेकिन ये ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है दोस्तों, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। इसके लिए आपको चुगलियाँ करनी पड़ती हैं और ऐसी बातें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं जो शायद किसी ने बोली भी ना हो, और यही कुछ करती हुई नज़र आई हैं ईशा, जिसके नापाक मनसूबों को पाक कर दिया है सलमान खान ने। अब सलमान खान आ चुके हैं तो सलमान खान इस वीकेंड के वार पर बहुत सारे मुद्दे लेकर आए हैं और सलमान ने बैशिंग करना शुरू कर दिया है शिल्पा की और साथ ही साथ करण की भी कर दिए हैं कि देवी और देवता बन गए हैं ये दोनों घर में आकर। हालांकि सलमान ने शिल्पा को तो एक्सपोज किया, करण को सिंपैथी दिखाई, लेकिन ईशा की जो पोल खोली है उसके बाद अविनाश के साथ साथ विवेन का सबसे बड़ा होश उड़ गया है। दरअसल सलमान खान ने कन्फेशन रूम में बुलाया रजत, अविनाश और विवेन दिसेना को, और इसकी एक बड़ी वजह थी कि कुछ दिन पहले आपने देखा जब राशन टास्क हो रहा था वहाँ पर ईशा जाती है करण के पास, थोड़ा दूर बैठी होती है और करण ने कहा कि तू यहाँ आकर बैठ जा, और इस बात को लेकर ईशा ने जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया वो विवेन के पास, अविनाश के पास, रजत दलाल के पास जाकर कहती है कि करण इतना गंदा इंसान है, इतनी गंदी उसकी नीयत है, वो मुझे कहता है कि आकर यहाँ पर बैठ जा। लेकिन इस तरीके की हरकत जो है वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, अगर वो अगली बार बोलेगा तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। ईशा ने यह बात अविनाश के सामने कही, रजत दलाल के सामने कही, जिसके बाद पारा चढ़ गया था अविनाश का, और अविनाश ने कहा कि मैं अभी उसकी बैंड बजाता हूं उस बदतमीज इंसान के साथ, तुम बिल्कुल भी उसके आसपास मत जाना, उसकी नीयत बहुत ख़राब है, लेकिन उसने अगर अगली बार ऐसी हरकत की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अविनाश जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही साथ रजत ने कहा कि अभी उसने मेरा समीकरण नहीं देखा है, ऐसा समीकरण बिठाऊंगा कि वो घर छोड़कर भाग जाएगा। रजत दलाल ने भी धमकी दे दी है करणवीर मेहरा के पीठ पीछे। लेकिन अब सलमान खान आ चुके हैं रियलिटी चेक देने। सलमान ने विवेन, रजत और अविनाश को बुलाया कन्फेशन रूम में और कहा कि मैं तुम तीनों को दिखाना चाहता हूँ एक सीक्रेट वीडियो। क्या देखना चाहोगे कि ये आपकी चुगली आंटी क्या क्या कर रही है आपके पीठ पीछे? सलमान खान ने यहाँ पर ये कहते हुए कन्फेशन रूम में एक वीडियो क्लिप चलाई, और ये वीडियो क्लिप एक नहीं थी, दो क्लिप थी। एक वो क्लिप थी जो कन्वर्जेशन हुई है करणवीर की ईशा के साथ, और दूसरी क्लिप चलाई सलमान खान ने कि ईशा ने क्या मैनिपुलेट किया था। ईशा के साथ जो कन्वर्सेशन हुई थी करण की, करण ने ये कहा था कि तू अगर मेरे पास आकर बैठेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत लोग सोच लेंगे और तू भी कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगी। ईशा को गंदी नज़र से करण ने ये नहीं कहा था कि तू आकर यहाँ पर बैठ जा। अब इस चीज़ों को ईशा ने जिस तरीके से मैनिपुलेट किया है, सलमान खान ने ये वीडियो दिखाया, और वीडियो दिखाने के बाद यकीन मानिए विवेन के होश उड़ गए। विवेन ने बोला ये कब हुआ और ये तो हमने देखा ही नहीं, ईशा इतनी बड़ी झूठी है, मैंने कभी भी नहीं विश्वास किया था कि ईशा इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। अविनाश ने कहा कि ईशा की बातों में आकर मैंने बहुत लोगों से घर में दुश्मनी ले ली है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है सर कि किसी की भी बातों में नहीं आना है, अपना गेम खुद खेलो, अपने आगे खुद चलो। रजत दलाल ने कहा कि ईशा को मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ, लेकिन ये चुगलियाँ करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ईशा को हमें बैठ कर समझाना होगा कि वो क्या कर रही है, वो तो घर में मैनिपुलेट कर रही है, हम लोग को आपस में ही लड़वाने की कोशिश कर रही है। सलमान खान ने कहा यस दैट्स द पॉइंट, इसलिए ये वीडियो तुमको दिखाया गया, तुम तीनों जो करण को टारगेट कर
कर रहे हो तुम तीनों, जो करण को ये कहते हो कि करण ठरकी है, करण गंदी नजर से देखता है, तो ये है सच्चाई, यहां पर है सच्चाई। देख सकते हो कि करण ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, जो हरकत जो है वो ईशा ने बताई तुम्हारे सामने और तुम लोग के बीच में झगड़े लगाए, तुम लोग के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की। तो समझ में आया विवेन, वैसे तो तुम बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हो लेकिन जब बात करण की आती है तो तुम डिप्लोमेटिक हो जाते हो। अब ऐसा लगता है कि विवेन जब से ही करण ने अपनी बाजी बदली है, जब से करण का दूसरा करण 2.0 निकल कर आया है, तुम भी डरने लगे हो करणवीर से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनसिक्योरिटी दिख रही है विवेन तुम्हारे अंदर और इसलिए मुझे रियलिटी चेक तुम्हें ही देना था। लेकिन ये जो रजत और अविनाश कर रहे थे, रजत और अविनाश बार बार प्लानिंग कर रहे हैं करणवीर के खिलाफ, इसलिए मुझे ये वीडियो दिखाना पड़ा कि तुम्हारी टाइम गॉड तुम्हारी ही नहीं है, ईशा किसी की नहीं है, ईशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप में आगे निकलने के लिए तुम तीनों का यूज कर रही है। तो सलमान खान ने रियलिटी चेक दिया है जिसके बाद होश उड़ गए हैं विवेन अविनाश और रजत दलाल की, और कहीं ना कहीं इंसाफ मिला है करणवीर मेहरा को। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।